अल्लाह सल्ली वसल्लम बारिक अला सय्यदना मुहम्मदीन कद्दा कदलत अतरिकनी रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आई फूड्स एंड आर्ट्स में। मैं किरण स्नैन, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और खुश रहें, आबाद रहें। और जी आज जो है ना, मैं आपके साथ तो शेयर करने वाली हूँ, घर की कर ली थी डीप क्लीनिंग, उसके बाद खतीजा ने आज मुझे कलमा भी सुनाया और नात पढ़ी। और आज ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये रेसिपी आई कहाँ से है। तो खैर, आपने जो है ना वीडियो को फुल वॉच करना, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए, ताकि आप जो है ना इस रेसिपी को देख सकें और ट्राई कर सकें और बच्चों को इंजॉय करा सकें। यहाँ पे जी मैंने जो है ना आज रूम की चेंजिंग कर दी थी और जो है ना काफ़ी जो है ना वो मैस हुआ हुआ था। डेली सफाई करते हैं लेकिन जो है ना हफ्ते में एक दो दफ़ा जो है ना वो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। ये देखें ज़रा ना, सारे घर की आज क्लीनिंग की है और इधर जो है ना मैंने मैट्रेस बिछा दिया चार पहियों के ऊपर, ये भी एक किस्म का बेड ही बन गया। जिनी देर तक हफ्ते च एक दो दफ़ा हाथ उत्ते इधर उधर मारना ना लिए तो सानू औरतों में सुकून नहीं आता। तो एक दिन अच्छी सफाई कर लेना तो उसे जो है ना दो तीन दिन सुकून से गुजर जाते हैं। तो बस आज भी मैं भी, फिर मेरे च भी एक ना आया हुआ सी, एक्टिव हुई सी, मैं भी एनर्जी वाहवा आई हुई सी, तो मैं कह चलो ना अज मैं भी ना ज़रा कर ला। ये एसी रूम था तो यहाँ पे सेटिंग चेंज थी, मैंने जगह बनाई हुई थी, बच्चे जो है ना मैट्रेस डाल के सोते, तो फिर मैंने आज जो है ना सारी जगह चेंज चूंज कर दी है, सारी चीज़ें ना इधर उधर कर दी है। उसके बाद जी फ्री फ्रू हो गए थे तो 3:45 बजे का टाइम था, फटाफट शावर लिया और मैं नमाज़ पढ़ी क्योंकि जहर का टाइम जा रहा था और फिर भूख भी बहुत लगी हुई सी, मैं भी टीट हुई हुई सी, मैं क्या हूँ एक दफ़ा फारग होकर फिर ही जो है ना लंच तैयार करूंगी। लंच में क्या खाना था आज जो है ना, आपके साथ पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हमारे घर में दो दो सालन बने हुए थे और हम छोटी सी फैमिली हैं, इतना खाया तो जाता नहीं है, तो फिर वो लेफ्ट ओवर जो पड़ा होता है ना वही नेक्स्ट डे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बस मैंने वो चनों का सालन था और करेले बने हुए थे बस, फिर मैंने हल्के फुलके पराठे बनाए, बिल्कुल लाइट वाले पराठे बनाए थे आज मैंने ना, तो क्योंकि करेले के साथ खाने का मज़ा ही अपना है। और ये था जी माशाल्लाह वाइट चने का सालन और ये मैंने आपको बताया था काफ़ी अरसे बाद मेरे घर में बना है और बहुत मज़ा आया था। उसके बाद ये शाम की चाय का टाइम था, 4:30 बज गए थे और ये अब मुझे टाइम मिला है और मैं ये बैठ के चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पे बैठी थी, जब मैं बैठती हूँ तो खतीजा आ जाती है, टांगे शांगे सीधी की थी, थोड़ा मैंने कहा रिलैक्स हो जाती हूँ तो ये आके मेरी ना ऊपर आ जाती है, बस मेरे बैठने की देर होती है तो इसको ये होता है कि बस मैं अब ना अपनी माँ के पास जाऊँ तो गोदी में आ जाती है। बस फिर आपने सुनी खतीजा की नात और ये काफ़ी आज जो है ना तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम था, फिर हल्की फुल्की भूख लग गई तो मैं क्या हूँ की किया जाए, फिर मैंने अंडे तो बॉयल किए और लेफ्ट ओवर जो पड़ा हुआ था ना आलू का मटेरियल, मैंने कल आलू की रोटी बनाई थी और वही आलू का पेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने उसके अंदर आलू बॉयल कर सॉरी अंडे बॉयल करके ना उसको मैंने ये देखें कद्दूकश कर लिया था अच्छे तरीके से, जड़ा सब पसा डिग्गे भी चुके आपने जो है ना इसको अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना। और ये देखें इसमें मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं क्योंकि बच्चों ने खाने थे और मैं यहाँ पे बनाऊंगी पैटी बर्गर। तो ये आप सोच रहे होंगे कि इसकी सोच सौरत की कहाँ कहाँ जाती है, तो बस ऐसे ही है, बच्चे जब हो जाए ना तो मैं बड़े जुगाट लगा लेती हैं, तो मैं क्या हूँ खैर मैं इस टाइम क्या कर सकती हूँ, तो मेरे पास तो यही एक जो है ना जुगाट है तो मैं ये लगा सकती हूँ। यहाँ पर मैंने इनकी बना ली थी पैटीज अच्छे से और फिर इनको ब्रेड क्रम्स में अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स लगा लिया था और यहाँ पर मैंने माइमा को आ जा मेरे साथ ना फटाफट कर लें, अब बच्चे जो है ना वो सोने की तैयारी कर रहे थे,
बस फिर एयर फ्रायर में ही मैंने इनको ये देखे यहाँ पे जो है ना मैंने इनको फ्राई कर लिया था। इतने अच्छे ये और क्रिस्पी से ये जो है ना ये पैटीज एयर फ्रायर में हो गए थे ना बगैर ऑयल के। मैं कहनी हाँ ऑयल का तो हम खर्चा ही जड़ा ना कट हो गया तो यहाँ पे ये देखे फिर मैंने गैस नहीं थी तो फिर मैंने बन जो है ना वो गर्म नहीं किए थे तो इसके ऊपर जी लगाएंगे हम मेयोनीज और कोई भी सॉस आप मिक्स कर सकते हैं घर में बना सकते हैं। मैं अक्सर सॉसेस जो है ना वो घर में बनाती हूँ इस तरह मिक्स कर लेती हूँ बर्गर्स के लिए और बहुत मज़े की लगती हैं। तो खैर अब तो मुझे जल्दी थी, आयत ने सोना था, आयत जो है ना वो नहीं देखती वो सो जाती है, उसने बस अपनी नींद लेनी होती है। मैंने यहाँ पे कोई सलाद नहीं लगाया था, बच्चों को दे दिया और अपने लिए टमाटर और सिर्फ प्याज जो है ना मैं लगा लिया था और इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे ना मैं कहती हूँ मैं ऐवें नहीं तारीफ कर रही। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल लो बजट सी ये रेसिपी है और बच्चे भी इंजॉय करेंगे बड़े भी इंजॉय करेंगे, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का सा पैटी बर्गर एग पैटी बर्गर आप इसको कह सकते हैं, पैटी बर्गर कह सकते हैं, पोटैटो बर्गर कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। छोटी है शर्ट। नहीं ठीक है ना, तो खुला होगा तो ये अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने इतने शौक से ये सूट बनाया और मैंने पूरा ही नहीं आया। वैसे मेरी गलती है, मैं रख रख के ये सब किया, मैं रख रख के ना तो अच्छा छोटी बहनों को ये बड़ा फ़ायदा होता है कि ना बड़ी बहनें जो होती हैं ना उनको अक्सर कपड़े जो होते हैं ना वो आ जाता है मोटापा आ जाता है और मुझे पता ही नहीं चला मैं इतनी जल्दी जो है ना मैं इतनी वो मोटी होती जा रही हूँ ना। खैर मैं डाइट भी करती हूँ लेकिन ये है कि पता नहीं क्या है जिससे मैं ऐसे फूलता जा रहा है। तो ये पिछले साल ही सर्दियों में मैंने इसको चेक किया और मैं ये बिल्कुल मुझे ना पूरा था तो मैंने इसके साथ दुपट्टा मैंने कहा अच्छा बनाऊंगी। तो उसके बाद गर्मी आ गई तो फिर मैंने कहा सर्दी में ये पहनने जाने वाला है तो मैं फिर जो है ना इसको करवा लूँगी। तो करती थी तो इस दफ़ा जो है ना देखने से ही लगा कि मुझे करवाना है। खैर छोटी बहनों की वैसे मोटी होती हैं। यहाँ पर फिर हम दोनों चली गई थी, यहाँ पर मार्केट सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हुई थी, फ्रूट्स ख़त्म हुए थे तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कहते तुम दोनों चली जाओ तो मैं तो थका हुआ हूँ। हम लोग लेट ही यहाँ पे निकले, तकरीबन 10 बजे हम लोग निकली थी और मैं कहनी हाँ मौसम की चेंज हो गया, गलियाँ सुनसान हो गई ने। तो यहाँ पे ना हम मेरा दिल किया कि कोल्ड ड्रिंक पीने को ना, तो मैंने कहा माइमा अपने पास वाली दुकान तो बंद हो गई होगी तो हम फिर अब क्या करें, तो कहते कि आप ही इधर से हो जाते हैं। खैर हम दूसरी गली से हो गए और ये गली हमारी वाली गली तो फिर भी माशाल्लाह रौनक है और इस गली में इतना सन्नाटा कि हमारी दौड़ी लग गई तो यहाँ पे जो है ना फिर हम लोग ना बोले मैं इनका आइंदा मेरी दोबारा अगर मैं जो है ना अपनी गली के अलावा किसी और गली में घुसी तो कोई पता नहीं होता क्योंकि अपनी गली के लोग जो है ना वो जानते हैं तो जो है ना बाहर जो और दूसरी साइड तो कोई जान नहीं रहा होता। खैर यहाँ पे एक दो औरतें और गुजरी, मैं क्या भी साढ़े फरौंतला आई हुई हैं, असं भी अधरान फरौंतला हुए हैं। उसके बाद जी सेब तो मिले नहीं थे और पता आज वैसे भी फ्राइडे था मुझे पता ही नहीं था और आज जो है ना लोग अक्सर छुट्टी करते हैं फ्राइडे को ना तो आज फ्रूट्स वगैरह और सब्जियां वगैरह कम ही लगी हुई थी। फिर हस्बैंड ने कहा साथ मुझे कहते चलो मैं चलता हूँ तो फिर हम दूसरी साइड पे गए और फिर हम फ्रूट्स लेके आए, काफ़ी अच्छे सेब मिल गए थे। और उसके बाद बेकरी से कुछ सामान लेना था, मैं कह चलो लग दे हाथ हूँ ए भी ले लिए दाते लग गई क्योंकि जब आप पैदल आते हैं ना तो फिर इतना दूर तो जाया नहीं जाता। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड मुझे ले गए, फिर मैंने बेकरी से चीज़ें ली, मैंने कहा नाश्ते का भी सामान ख़त्म हुआ वो भी ले लेती हूँ। ये सारा कुछ ले लवा के हम लोग कार आ गए और जो है ना फिर सुकून का सांस आया। फिर खैर मैंने करना था अपना काम, थोड़ा बहुत वो किया और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो जो है ना वो पसंद आई है ना तो मुझे ज़रूर लाइक शेयर कर दिया करें, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार होता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँ। और आजकल जो है ना मुझे ब्लॉगिंग का चढ़ा बचा तो मैं आपके साथ ब्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल लाइफ जो है ना वो काफ़ी 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 बिजी हो गई है तो मुझे ना जो है ना वो इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। तो खैर आपको अगर मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तब भी बताइएगा, अगर आप खाली मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तब भी मुझे फीडबैक में बताइएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आपके लाइक शेयर का भी। अच्छा जी मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई रेसिपी में किसी नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।